हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुमक्कड़ बदमाश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चलेंगे सिद्ध बाबा मंदिर, जो कि नेपाल में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिद्ध बाबा मंदिर के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप यहां कैसे जाएं, कब जाएं और रास्ते में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, और अंत में बताऊंगा टोटल कॉस्ट। तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दबाएं घंटी का निशान, ताकि ऐसे ही मेहनत करके मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लाता रहूं, ताकि आप कम खर्चे में अपनी यात्रा पूरी कर सकें। और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी के अभी कर लीजिए लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिद्ध बाबा मंदिर के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा टनकपुर। आप टनकपुर तक बाय ट्रेन और बाय बस दोनों ही तरह इजीली आ सकते हैं। अगर आपको टनकपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं मिलती है तो आप दिल्ली से भी चेंज करके आ सकते हैं। तो आप अपने अपने शहरों से डायरेक्ट ट्रेन या बस देख लीजिए। दिल्ली से टनकपुर के बीच की दूरी 340 किलोमीटर है, जिसे आप बस द्वारा 9 से 10 घंटे में इजीली कवर कर लेंगे। और यदि आपका माध्यम फ्लाइट है तो आप पंतनगर या बरेली तक बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। उससे आगे का सफर आपको बाई बस या बाई ट्रेन ही करना पड़ेगा। बरेली से टनकपुर के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, वहीं पंतनगर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लें जो आपके लिए बेस्ट हो। दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में स्थित शक्तिपीठ माँ पूड़ागिरी के दर्शन को प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनकी मुराद तभी पूरी होती है जब तक वह नेपाल में सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं कर लेते, जो कि पूनागिरी मंदिर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टनकपुर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्ध बाबा मंदिर का सफर माँ पूनागिरी के दर्शन के बाद से ही शुरू हो जाता है। और यदि आपने मेरा पूनागिरी मंदिर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ आने से पहले उसे भी अवश्य देख लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। माँ पूनागिरी मंदिर का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी यात्रा प्लान करने में। दोस्तों, माँ के दर्शन के बाद श्रद्धालु वापस टनकपुर आकर सबसे पहले पंचमुखी मंदिर के पास बने शारदा नदी घाट पर स्नान करते हैं। इसके बाद भारत और नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज की ओर निकल पड़ते हैं। शारदा नदी घाट से शारदा बैराज तक का सफर बेहद आसान है। यहाँ आपको ई रिक्शा इजीली मिल जाएंगे, जिसका आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। ये दूरी 304 किलोमीटर की है, आप चाहें तो इसे पैदल भी कवर कर सकते हैं। शारदा बैराज पहुँचने के बाद आपको पैदल ही इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा, जो कि 475 मीटर का है। यह शारदा बैराज टनकपुर का पावर स्टेशन है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर रुककर इस नदी को निहार सकते हैं। इवनिंग के टाइम आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इस ब्रिज पर आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी, और यदि आप बाइक से आते हैं तो आप अपने निजी वाहन से इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ टू व्हीलर को ही अंदर जाने की अनुमति है। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपका एक सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। और यदि आप अपनी बाइक से नहीं भी आए हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई ऑटो या ई रिक्शा तो नहीं चलता है, बट आप यहाँ से बाइक हायर कर सकते हैं। बाइक वाले आपसे 10 रुपये लेंगे और आपको ब्रह्मदेव टेंपल से 250 मीटर दूर ड्रॉप कर देंगे। ये डिस्टेंस आपको लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगी, आप चाहें तो इसे भी पैदल कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग सुविधा भी मिल जाएगी अगर आप अपनी बाइक से आए हैं तो, जिसका चार्ज 20 रुपये रहता है। जहाँ पर आपको बाइक ड्रॉप करेगी वहाँ से आप ब्रह्मदेव मेन मार्केट होते हुए सिद्ध बाबा मंदिर तक पैदल यात्रा सिर्फ 5 से 7 मिनट में कर लेंगे। सिद्ध बाबा मंदिर के रास्ते में आपको जगह जगह खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर नेपाली और भारतीय खाना खा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप यहाँ का नेपाली नोट भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं, वो आप किसी भी शॉप से एक्सचेंज करके अपने साथ ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर इंडियन करेंसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी,
क्योंकि यहाँ के लोग इंडियन करेंसी ही यूज करते हैं। दोस्तों अब आप सिद्ध बाबा के दर्शन करें। सिद्ध बाबा मंदिर की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। माँ पूनागिरी धाम के साथ बाबा सिद्धनाथ का महत्व भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूनागिरी के बहुत बड़े भक्त थे, जो हर रोज देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। एक दिन देवी पूनागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे देवी ने क्रोधित होकर बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। जब देवी को पता लगा कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक भक्त है, तो देवी को बहुत पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां अलग अलग रूप से उनके मंदिर स्थापित हुए। पूनागिरी मंदिर से सबसे नजदीक में जो टुकड़ा गिरा था वो नेपाल के ब्रह्मदेव नामक स्थान पर गिरा था। पूनागिरी मंदिर से ज्यादा नजदीक होने की वजह से ज्यादातर श्रद्धालु इसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ का मूल मंदिर नेपाल के खल्ला नामक स्थान पर स्थित है। रास्ता काफी दुर्गम होने की वजह से वहां बहुत ही कम श्रद्धालु जा पाते हैं। बाबा सिद्धनाथ मंदिर प्रांगण में आप एक शिव जी का मंदिर और एक विष्णु जी का मंदिर देख पाएंगे, और सिद्ध बाबा का मंदिर आपको बरगद के पेड़ के नीचे दिखाई देगा। दोस्तों अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपका मेन खर्चा टनकपुर तक आने का ही लगेगा। बाकी का आप 1,000 से 1,500 रुपए में यहाँ इजीली 2 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ होटल्स 300 से 400 रुपए में स्टार्ट हो जाते हैं, और आप इन 2 से 3 दिनों में माँ पूनागिरी मंदिर और सिद्ध बाबा मंदिर को इजीली कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ जुलाई से अक्टूबर के बीच में ही आए, ताकि आपको भीड़ भाड़ काफी कम मिले। और यदि आप यहाँ पर मेले के समय आना चाहते हैं तो होली के बाद मेला स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 महीनों तक चलता है। इस साल ये मेला 19 मार्च से शुरू हो चुका है, जो कि 15 जून तक चलेगा। आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क की परेशानी आ सकती है। इस स्थान पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं, और कभी कभी नेपाल के सिग्नल्स भी आ जाते हैं, तो आपकी कॉल ISD लग जाती है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, ताकि ऐसे ही मेहनत करके मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लाता रहूं, और आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। और साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि वो अपनी इस यात्रा को अधूरी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को प्राचीन मान्यताओं के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए वीडियो को शेयर करके उन लोगों की हेल्प करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करें।